नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं SSA यानी कि ही सर्व शिक्षा अभियान में निकली भर्ती के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि सर्व शिक्षा अभियान में हो रही है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है जूनियर बेसिक टीचर्स के पोस्ट के लिए हो रही है और भी यहाँ पर वैकेंसीज है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो PDF जारी किया गया है उसमें हम जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और वो जो PDF है यदि आपको एक्सेस करना है तो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है जिस पर आप क्लिक कर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि gvtjob.com पर आ सकते हो और यहाँ आकर आप ये जो आर्टिकल है इसे रीड कर सकते हो। और दो लिंक्स हमने जो प्रोवाइड की है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और ऑफिशियल वेबसाइट की, उन्हें एक्सेस कर आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैकेंसी है, जॉब लोकेशन इसका चंडीगढ़ है, तो सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में होगी। पोस्ट का नाम है जूनियर बेसिक टीचर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है और डिप्लोमा पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 37 ईयर्स है, यानी 21 to 37 ईयर्स तक के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए क्या है वो अब हम देख लेते हैं। तो अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8/10/2018, यानी 8 अक्टूबर 2018 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, यानी अप्लाई करना शुरू कर सकते हो आप 8 अक्टूबर 2018 से। और 1 नवंबर तक आपके पास टाइम है अप्लाई करने का। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास अभी बहुत कम टाइम रह गया है, 1 नवंबर तक का ही टाइम है और 1 नवंबर के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, 1 नवंबर के पहले आप तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको हर रोज नए जॉब रिलेटेड जो जानकारी होती है वो आपके लिए लाते रहते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं। तो जरूर लाइक करेगा। और इस PDF में आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल वैकेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर बताया गया है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अप्लीकेशन फी आपको भरनी है जो कि 800 रुपये है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अप्लीकेशन फी है 400 रुपीज। एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पर ली जाएगी जो कि 150 मार्क्स की है और 45% मार्क्स आपको यहाँ पर निकालने होंगे। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है दोस्तों, तो आपका आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। 21 से 37 ईयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 आवर्स 20 मिनट्स यानी 2 घंटे से भी अधिक टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 घंटा और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 11 सेक्शंस में से, उसके आपको आंसर करने हैं। 150 मार्क्स की एग्जामिनेशन है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये जान लीजिएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है तो रॉन्ग आंसर के आपके 0.25% मार्क्स कट हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 मार्क्स है। अप्लीकेशन फी भी आपको भरनी है और 1 नवंबर के पहले आप यदि अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 1 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो जल्द से जल्द आपका एप्लीकेशन कंप्लीट करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।